ललितादित्य स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस टूर्नामेंट का उद्घाटन 4 फरवरी को रखा था, लेकिन भगवान इंद्र ने थोड़ा परिवर्तन करते हुए उसे उस तारीख को बदल दिया, 11 फरवरी कर दिया। और आज मुझे कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के अवसर पर आपके बीच उपस्थित होकर प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ललितादित्य स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सभी पदाधिकारी विशेष रूप से प्रशंसा और साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के द्वारा इस टूर्नामेंट के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार किया है कि देश ही नहीं बल्कि मुझे जो बताया गया कि विदेश से भी इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए लोग आए हैं। मैं सभी ऐसे साथियों का अभिनंदन करता हूं तथा उन्हें अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। इंसान अपनी जीवन यात्रा में निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, यह प्रकृति का नियम है, लेकिन उसे सुकून अपनी जड़ों में लौटकर अपनी मातृभूमि में की गोद में आकर ही मिलता है। और ऋग्वेद में हमारे यहाँ कहा भी गया कि मातुर्मयी स्वतः माता की शक्ति सबसे प्रबल शक्ति होती है। यह प्रीमियर लीग टूर्नामेंट मुझे लगता है कि याद दिलाता है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के हर एक व्यक्तित्व का मन बहुत गहरे में मातृभूमि से जुड़ा हुआ है और यह टूर्नामेंट उसी मिट्टी के साथ एक होने का प्रतीक बनता जा रहा है। हमारी संस्कृति भी कहती है कि वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होती हैं उतनी ही उसके आसमान को छूने की संभावना प्रबल होती है। अनिल भट्ट जी जब निमंत्रण लेकर मेरे पास आए थे तो उन्होंने बताया था मुझे कि इस वर्ष टूर्नामेंट का 4th एडिशन है और इसमें तकरीबन 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अगर किसी टूर्नामेंट में तीर्थ की भावना से लोग आते हैं तो वह स्वयं में सफलता का प्रतीक बन जाता है। और योगिनी ललेश्वरी ने अपने एक वाक में कहा भी था कि ये कर्म कोरम सुअर्चुन, जैसा मैंने कर्म किया वैसा ही मैंने अर्चन भी किया। जिस प्रतिबद्धता के साथ नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने, अपनी संस्कृति जीवन मूल्यों से रिकनेक्ट करने, युवाओं को इम्पावर करने तथा उनके टैलेंट को निखारने के लिए आप सबने मिलकर के जो प्रयास किया है वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक युवा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट से जुड़ेंगे तथा अपनी दक्षता और क्षमता बढ़ाएंगे भी। मुझे देखकर भी प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारी बच्चियां क्रिकेट तथा स्पोर्ट्स की डिफरेंट डिसिप्लिन्स में बड़ी संख्या में भाग ले रही हैं। पिछले 3-4 वर्षों में मैंने देखा है स्पोर्ट्स में उनकी भागीदारी नारी शक्ति के नए उभरते आत्मविश्वास तथा जम्मू कश्मीर के विकास में उनके बढ़ते हुए योगदान का प्रमाण है। इस तरह के टूर्नामेंट आपसी संबंधों को नए सिरे से जोड़ने का अवसर भी उपलब्ध कराते हैं और देश विदेश के अलग अलग हिस्सों में से आए साथी अपनी मित्रता को भी प्रगाढ़ बनाते हैं। अनुभवों का व्यक्तिगत आदान प्रदान भी होता है। मैं मानता हूँ यह टूर्नामेंट आप सभी नौजवानों के सामने एक मजबूत, समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत का एक लक्ष्य रख रहा है। मुझे उम्मीद है कि एकत्व की भावना से आप सभी इन लक्ष्यों को साकार करने के लिए काम करेंगे और अपने बुलंद हौसलों के साथ समाज को नेतृत्व भी प्रदान करेंगे। स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वह हमेशा राष्ट्रभक्ति, एकता, दृढ़ संकल्प, साहस, टीम वर्क और कर्म जैसे मूल्यों तथा आदर्शों के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है और टूर्नामेंट के जरिए उन्हें स्मरण कराया जाता है कि भारत के भविष्य के निर्माता हमारे नौजवान निर्धारित लक्ष्य को सदैव याद रखें। वो इस बात को हमेशा याद रखें
कि अमृतकाल की यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव की पहल युवा ही कर सकता है। राष्ट्र की तरक्की में सबसे अहम योगदान युवा ही दे सकता है। समग्र एवं समावेशी विकास को नेतृत्व भी युवा ही दे सकता है और अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर समाज के हृदय की संवेदनशीलता का संरक्षण भी युवा चाहेगा, तभी हो पाएगा। युवा वर्ग इस राष्ट्र की सबसे जीवंत ऊर्जा है, सृजन की विराट धारा है, एकता की प्रदीप्त प्रेरणा है और जो हर एक क्षेत्र में नई कामयाबी हासिल करने के लिए लालायित भी है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ललितादित्य स्पोर्ट्स एजुकेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्टिंग टैलेंट्स को चिन्हित कर रहा है, आइडेंटिफाई करके उन्हें सही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के साथ साथ युवाओं में नैतिक मूल्यों के प्रचार प्रसार, समाज सेवा के लिए समर्पित भाव से काम करने की कोशिश कर रहा है और ड्रग अब्यूज तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी यह संस्था अभियान चला रही है, जो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने लक्ष्यों में एक लक्ष्य और जोड़ने की जरूरत है। 24-25 के अंतरिम बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। डीप टेक सेक्टर में काम करने वाले युवाओं को 50 वर्ष के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन उपलब्ध कराया जाएगा। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के ज्यादा से ज्यादा युवा इस कार्यक्रम से जुड़े। वो क्षमतावान हैं, टैलेंट है उनमें और अपना कैरियर बनाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष को नया गौरव दिलाने के लिए काम कर। मैं समझता हूँ कि युवाओं के पास आध्यात्मिक शक्ति और स्वतंत्र चेतना के विकास के लिए पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च इनोवेशन के माध्यम से ये प्रयत्न प्रारंभ किया है। उन्हें वह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जिससे उनके टैलेंट को सही सभी संसाधन मिल सकें और वो अपने नए भविष्य की मजबूत नींव का निर्माण भी कर सकें। गत वर्ष मुझे याद है कि एक स्पेशल कैंप का आयोजन रिलीफ कमिश्नर ऑफिस ने किया था। अभी चंद दिन पहले ही मैं जगती गया था, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल टर्फ का और कुछ और भी बातें साथियों ने कही थी जिसे स्वीकार कर लिया गया है। उस दिन मैंने रिलीफ कमिश्नर साहब को कहा था कि जो नौजवान चिन्हित हुए थे स्वरोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर बैंक और बाकी बैंकों को निर्देश दे दिए गए हैं। उस दिन जम्मू कश्मीर बैंक के लोग भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने मुझे भरोसा दिया है कि आने वाले 10 दिनों में उस सूची के एक एक नौजवान को जो आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी है वो करा दी जाएगी। रिलीफ कमिश्नर साहब को मैंने कहा था कि इस महीने के अंत में ही ये कार्यक्रम हमको करना है और केवल कश्मीरी माइग्रेंट के लिए नहीं बल्कि POJK और WPR के भी जो लोग चिन्हित हुए थे उन्हें भी ये सहायता उपलब्ध कराई है। इनकी हैंड होल्डिंग भी करनी है, फाइनेंस भी उपलब्ध कराना है ताकि पूरी गरिमा के साथ वो जम्मू कश्मीर और देश के विकास में भागीदार बन सके। हिंदी के एक महान कवि थे, उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि भी दी गई, रामधारी सिंह दिनकर। तो उनकी एक पंक्ति है, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। मुझे विश्वास है कि आपके समर्पित भाव से किए जा रहे प्रयास प्रतिभाओं को नई पहचान एवं अवसर उपलब्ध कराकर नए इतिहास का निर्माण करेंगे। कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग के विस्तार के लिए मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से आप सबको अगर किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो सहायता का भरोसा देता हूं। मैं इस टूर्नामेंट के सफलता की कामना करता हूं और आप सभी को उत्कृष्ट प्रदर्शन की भी शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में महाभारत का एक प्रसंग कह के बाद ख़त्म करूँगा। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद, ये महाभारत काल का विषय है, आप सब जानते हैं।
पांडवों के चार भाई मृत प्राय होकर के गिरे हुए थे। युधिष्ठिर पहुँचे तो यक्ष से उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों को क्यों मार दिया, कैसे जिंदा होंगे। तो यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि मेरे पांच प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का सही उत्तर दे दोगे तो तुम्हारे जो मृत भाई हैं ये सब जिंदा हो जाएंगे। तो पांचों प्रश्नों का जिक्र मैं नहीं करना चाहता, केवल एक प्रश्न की मैं चर्चा करूंगा, अनावश्यक समय ज़्यादा लगेगा। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि किम आश्चर्य, आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मरते हुए देखता है फिर भी जीने की इच्छा रखता है, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। अगर यक्ष मुझसे सवाल करे आज यहाँ किम आश्चर्य, तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ इस स्टेडियम में दुबई कनाडा से लोग आ करके क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इस आयोजन के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे मैच में जो खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।